जुजुत्सु काइसन के चैप्टर 236 में किंग ऑफ कर्सेस द वन एंड ओनली सुकुना ने द मोस्ट ऑनर्ड गोजो सातोरू को मार दिया एंड ही हैज प्रूव्ड दैट ही इज द रियल किंग ऑफ कर्सेस इन द एक्यूरेसी वर्ल्ड। क्या जेजेकी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी? वेल ऑफ कोर्स नॉट भाई, क्योंकि सुकुना भी मरा नहीं है एंड सुकुना को मारना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पर उसको मारे कैसे, इसके ऊपर ऑनलाइन में बहुत सारे कन्वर्सेशन एंड पोस्ट आए जा रहे हैं, लेकिन मैं उन सभी को तो कवर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उनमें से जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव फैन थ्योरी है जो कि एक्चुअल में हो सकता है उसको लेकर डिस्कशन करने वाला हूं एंड मेरे कुछ थॉट भी शेयर करने वाला हूं कि मुझे क्या लगता है। तो वीडियो तो स्टार्ट हो चुका है तो इंट्रो वगैरह की क्या जरूरत, लेकिन फिर भी हेलो शिनोबीस, कैसे हो तुम सभी लोग, तो चलो शुरू करते हैं। तो सुकुना वर्सेस काशिमो के फाइट के बाद से चैप्टर 239 के लिए बहुत ज्यादा हाइप जो है वो क्रिएट हो चुकी है। चैप्टर 238 के आखिर में हमने देखा था कि यूजी की एंट्री होती है, बट वो अकेला नहीं होता, उसके साथ हिगुरुमा भी फाइट ज्वाइन करता है। पर ये हिगुरुमा आखिर है कौन? हिगुरुमा इज अ लॉयर जिसका पूरी दुनिया के जस्टिस सिस्टम से भरोसा उठ गया है। तो वो जुजुत्सु हाई स्कूल ज्वाइन करता है एंड ही इज नॉट अ स्पेशल किड विद पावर, ही इज जस्ट अ नॉर्मल पर्सन लाइक यू एंड मी हु डजंट इवन हैव हिज ओन कर्स एनर्जी लाइक अदर्स। पर इसके बावजूद ही कैन यूज डोमिन एक्सपेंशन, जो कि कोई ऐसा वैसा डोमिन एक्सपेंशन नहीं होने वाला। इट इज अ काइंड ऑफ अ कोर्ट रूम जहां पर अगर कोई फंस जाए तो वो अपना कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकता और वहां से निकल भी नहीं सकता क्योंकि कर्स एनर्जी वहां काम नहीं करता। कर्स यूजर को ट्रेल पर रखा जाता है वहां पर एंड अगर कर्स यूजर गिल्टी प्रूफ हो जाता है तो उसे डेथ पेनल्टी मिलती है। और अगर यूजी की बात करें तो वो भी अपग्रेड हो चुका है, सुकुना के अलग होने के बाद भी यूजी के पास थोड़ा अलग ही टाइप का पावर आ चुका है, उसका हाथ सुकुना के हाथ से मिलता है। अभी ये हो सकता है कि सुकुना का बहुत टाइम तक यूजी के बॉडी का यूज करने की वजह से सुकुना के कुछ कर्स टेक्निक यूजी ने भी सीख ली एंड अभी भी सुकुना का कुछ पावर यूजी के अंदर है। अभी ऐसा क्यों? इसका रीजन ये हो सकता है कि अभी सुकुना के पास 19 फिंगर्स हैं, अभी भी एक फिंगर मिसिंग है। वो एक फिंगर गोजो के पास था बट गोजो तो मर गया ना। गोजो सील से रिलीज होने के बाद सुकुना को बोलता है कि मैं तुमसे अभी नहीं लड़ूंगा, कुछ टाइम बाद लड़ूंगा। तो उस टाइम हो सकता है कि गोजो ने आखिरी फिंगर यूजी को दिया होगा एंड यूजी अभी वही फिंगर खा के बैटल करने को आया होगा। दैट्स व्हाई इसका हाथ सुकुना की तरह दिख रहा है अपन लोग को। अभी फैंस का मानना है कि बैटल हिगुरुमा एंड यूजी खत्म करेंगे चैप्टर 239 में। सुकुना यूजी से चिढ़ता है क्योंकि एनिमे में भी और मांगा में भी यूजी ने कई बार सुकुना के ऊपर काबू किया है एंड यूजी बैटल करते टाइम सुकुना को डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है एंड उस टाइम पर हिगुरुमा अपना डोमिन एक्सपेंशन यूज करके कोर्ट रूम के अंदर गिल्टी प्रूफ करके डेथ पेनल्टी देगा। बट गिल्टी प्रूफ कैसे करेगा? देखो सिंपल है, हिगुरुमा पूछेगा कि गोजो को किसने मारा, तो फिर जो अपना ये किंग ऑफ कर्सेस है हाँ सुकुना, वो बोलेगा कि मैंने मारा। तभी कोर्ट रूम बोलेगा झूठ। तभी फिर सुकुना बोलता है कि मैं झूठ क्यों बोलूंगा, ये सच है। देन हिगुरुमा बोलता है कि नहीं मेरे भाई। सुकुना बोलता है तो क्या फिर गोजो जिंदा है? एंड हिगुरुमा बोलता है कि अबे हाँ गोजो जिंदा है। देन सुकुना गिल्टी प्रूफ होता है एंड उसको डेथ पेनल्टी मिलती है। अभी बंदों की फैन थ्योरी यहीं तक, अभी मुझे भी यही लगता है कि ये हो सकता है, बट इसके साथ मैं कुछ और भी चीजें ऐड करना चाहूंगा जो कि मुझे लगता है कि ये हो सकता है एंड मैं जो सोच रहा हूँ वो मोस्टली सेम ही है बट विद लॉट्स ऑफ चेंजेस। पहले तो यूजी एंड हिगुरुमा दोनों अकेले मिलकर सुकुना को हरा नहीं पाएंगे बिकॉज ही इज इन ट्रू फॉर्म एंड ऑल्सो ही इज अ किंग ऑफ कर्स। ऑल्सो अभी तक बैटल में यूता, शोको, पांडा, माकी एक्सेट्रा कैरेक्टर्स की एंट्री नहीं, बैटल अभी तक खत्म नहीं हुई है। बाकी रही गोजो की बात, तो ऐसा हो सकता है कि यूता एंड शोको गोजो को रिवाइव कर रहे हैं। दे आर दी ओनली पर्सन हु कैन यूज रिवर्स कर्स टेक्निक ऑन अदर्स। इस मोमेंट पर यूता ज्यादा काम आएगा क्योंकि शोको से यूता की कर्स एनर्जी ज्यादा है, बट इधर भी प्रॉब्लम है क्योंकि गोजो को पूरा ही आधा काट दिया है। इसके पहले के सारे इंसिडेंट्स में इंटरनल डैमेज एंड हाथ पैर कटने पर आराम से रिकवर हो जाता था, बट दिस टाइम दोनों को अपना अपना पावर कंबाइन करने के बाद भी और पावर की जरूरत होने वाली है। Because it is Gojo Satoru, yaar. Kya? A powerful sorcerer with six eyes.
तो बहुत ही ज्यादा कर्ज एनर्जी की जरूरत होने वाली है। इस पॉइंट पर दोनों को सुकुना के लास्ट फिंगर की जरूरत हो सकती है। अगर युता लास्ट फिंगर रीका को खिला देगा तो वो अकेले ही गोजो को हील कर सकता है पूरी तरीके से। पर अगर गोजो युता को लास्ट फिंगर देगा तो यूजी के पास कैसे पावर आई अभी? देखो इसका आंसर बहुत ज्यादा सिंपल है। यूजी बहुत बार सुकुना के ऊपर कंट्रोल पाया है, उसका पावर यूज किया है एंड उसकी बॉडी ने सुकुना के कर्स टेक्निक को एक मसल मेमोरी की तरह याद कर लिया है, तो वो सुकुना के ना होते हुए भी उसकी पावर्स यूज कर सकता है। फन और डार्क फैक्ट, इसके पीछे एक और रीजन, यूजी को पर्टिकुलर सुकुना के पावर्स कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, वो भी केंजिकू ने बनाया था यूजी को। दैट मीन्स यूजी की मम्मी केंजिकू है। एंड गोजो ने बोला था कि कोई भी कर्ज यूजर अपने टेक्निक से जितना दूसरे को चोट पहुंचाता है उतना खुद को भी वो चोट पहुंचाता है। इंडिया हमने मांगा में देखा भी है कि गोजो के अटैक से गोजो इंजर्ड हुआ था। एंड अगेन जो चैप्टर 236 में जो नॉर्थ और साउथ वाला पार्ट हम लोग को देखने को मिला था, जहाँ पर गोजो कुछ ना बोलते हुए चला जाता है, ही इज ऑब्वियसली गोइंग टू पिक नॉर्थ। अगर वो नॉर्थ पिक करता है देन ही विल गोना इवॉल्व बियॉन्ड ह्यूमैनिटी, जहाँ पर वो रिवर्स कर्स टेक्निक की वजह से वापस तो आएगा बट एज अ पावरफुल सोल। एंड पिछले कुछ चैप्टर्स में हम लोगों ने देखा भी है कि यूजी ने कुसाकाबे के साथ बॉडी स्वैप किया था। तो उसको बॉडी स्वैप करना आता है। गोजो के वापस आने के बाद यूजी गोजो के साथ बॉडी स्वैप करने वाला है। विद दैट न्यू इनहेंस्ड पावर ऑफ गोजो सातोरू, ही इज गोना यूज यूजी एज अ कर्ज टू यूज सुकुना पावर ऑन सुकुना, एंड ऐसा करके शायद फाइट खत्म हो। Who knows? गेगे तो पागल है क्या? पता नहीं क्या हो जाएगा, बट इसके ऊपर जल्दी से जल्दी अपडेट चाहिए तो जाके सब्सक्राइब करो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं तुम लोग के सामने मेंशन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाने में अपने टीम की बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। पहली बात तो तुम अपने भाई की आवाज़ तो पहचान ही रहे हो, तो ये मेरी वजह से। लेकिन वीडियो की स्क्रिप्टिंग इज डन बाई अनुराग एंड द वीडियो एडिटेड बाई तलहा ब्रो, तो इन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। इन लोगों के इंस्टा आईडी भी तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मेरे भी होंगे, सबको जाके फॉलो करो। प्यार बांटो, प्यार बांटने से बढ़ता है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।